तो यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स हैं कंपेयर टू यूट्यूब। शुरू करते हैं बिना किसी पंचोगी के। आप टिकटॉक छोड़ दीजिए, हम रोस्टिंग छोड़ देंगे। इसलिए लॉडी भाई समझ रहे हो। नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। सुन मैं पेंपिली गांड अगली बात करें तुमको एक लाफा मारूंगा। छोटी लुल्ली वाले वो भी टेढ़े वाले। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और मोदी जी इनका फुल एंड फाइनल कर दो। घूमी देखी होगी नो ईश। भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। चिन माधर चोद बाहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले, सुनो इंट्रो का बिल्कुल मूड नहीं, फेक एनर्जी मुझे दिखानी नहीं तुमको। मैं पहले बता दूं, जाके अभी से ना मेरा मूड ठीक करना है तुमको, ठीक है? अभी जाओ फटाफट से लाइक करके आओ। मेरा फोन 5 फीट से 2 बार नीचे गिर चुका है, वो भी जमीन पे। देखो ये पहली बार ही रिकॉर्ड हो गया, दूसरी बार ही रिकॉर्ड नहीं हो क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी मैंने। कोई बात नहीं, जो भी हो ठीक है। फेक एनर्जी, फेक एनर्जी, फेक एनर्जी। टिकटॉक हो गया बैन, तुम लोग हो रहे हो बड़े खुश। एक चीज बताओ, तुम्हारी लाइफ में कुछ असर पड़ा टिकटॉक होने या ना होने से? कुछ असर पड़ा? नहीं ना, फिर क्यों उछल रहे हो? किसी ने पूछा तुमको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने को? अरे भाई मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया, सेंडर डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। हमने पूछा? नहीं ना। अभी भाई तुमने बता दिया तो अपन हम तुमको जज करेंगे, ये छक्का साला टिकटॉक देखता है, ये छक्का साला, क्योंकि छक्का बोलना पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि कैरी भाई ने बोला तो वीडियो फनी लगी really, पर वीडियो टेक डाउन हुई है, बड़ा मजा आया था। कैरी मिनट्टी के भक्त साले। अब तुम बोल रहे हो कि यार कैरी कैरी को बोल रहे। देखो पॉइंट पे आएंगे, सब पॉइंट पे आएंगे, अभी तो वीडियो का स्टार्ट हुई है पूरा। देखो जैसा कि तुम लोगों को पता है यार, 90% टट्टी कंटेंट क्रिएटर्स के लग गए लोड़े, और जो बाकी बचे 10% आओ मेरे घर पे और साथ में खाते आलू के पकोड़े। सीधा वापस आता हूँ पॉइंट पे भाई, जो 10% अच्छे क्रिएटर्स थे उनको भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जंप करना पड़ेगा अपनी पुरानी ऑडियंस को रिटेन करने के लिए, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई बात नहीं। अच्छे क्रिएटर्स का ग्रोथ होता है अच्छे एक सेकंड बहन, जो तभी मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं। सब्सक्राइब करो यार, ये तो बुरा लगता है यार, सब्सक्राइब करो। 3 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ, 100 भी नहीं हुए अभी। जो भी बात मैं करने वाला हूँ ना तुमसे, कान खोल के सुनना ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है टिकटॉक बैन हो चुका है, तो ये जो टिकटॉक के क्रिएटर्स थे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे जंप करेंगे ही, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और वो फैन फॉलोइंग तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, किसको फैन फॉलोइंग नहीं पसंद, मेरी तो है भी नहीं, पर मेरे को पसंद है। ये 100 लोग हो ना तुम, सोनी 19 है भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। ये वीडियो के बाद मेरे को 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ओके टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता है वो लोग जंप करने वाले हैं प्लेटफॉर्म, वैसे ही कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी जंप कर लिया, जैसे कि होगी जन्नत जुबैर, फैजू और अपने अदनान और नवाब, टीम नवाब को कैसे भूल सकते भाई। सुबह को वीडियो डाल दी थी आई एम बैक करके, और शाम को साला टिकटॉक ही बैन हो गया। यूट्यूब पे ना डाल दे यार, यूट्यूब नहीं जाना चाहिए भाई। जो तुम्हें पता है यार अभी ऑडियंस जंप करने वाली है, तो भाई मिस्टर फैजू ने 3 वीडियो में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने वाला है भाई। एक दिन का हेट था उसने कैपिटलाइज कर लिया, 1 मिलियन होने आया। अभी जन्नत जुबैर का ब्लॉग 6th पे ट्रेंडिंग है, मतलब क्या ही चल रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उसके बाद साला यदनान ने 2 वीडियो डाल के 2 लाख सब्सक्राइबर्स कर रखे यार। तुम तो चुंगेश्वरी लोगो फैन चोद लिटरल यार, तुम जैसे चूते आदमी मैंने देखा टिकटॉक की माँ चोदी करते हो, फिर उसके बाद इन लोगों को आके देखते हो छुप के, किसी को पता नहीं चलना जी मैं देख रहा हूँ मादर चोद सालो। अगर टिकटॉक पे से कचरा उठा है तो यूट्यूब पे से भी कचरा उठना चाहिए ना। जो कंटेंट क्रिएटर्स खुद को बोलते हैं, जैसे कि ये भकलौंड बाबा जी, ये भकलौंड बाबा जी का तुमने अगर कभी लाइफ में कंटेंट देखा होगा ना, इतना फालतू कंटेंट है भाई। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है कैरी मिनाटी का, उसका वीडियो LGBTQ के ऊपर फालतू जोक्स मारने की वजह से टेकडाउन हुआ। ये जो भकलौंड बाबा जी, इसके जोक्स देखो। तेरे और तेरे टिकटॉक के ना होने से हम सब बहुत ही सुकून की जिंदगी जीने वाले हैं। अच्छा हुआ भाई टिकटॉक बैन हो गया, क्योंकि मैं ना यार बहुत परेशान हो गया था आम जिंदगी में, क्योंकि यार जब भी मैं पान खाने के लिए किसी पनवाड़ी के पास जाता था और उससे बोलता था कि भैया मीठा पान लगा दे, तो पता है वो क्या बोलता था? अरे भैया कितना मीठा लगा दूं, चीनी जितना या फिर शहद जितना
या फिर वो टिकटॉकर जीतना। ये चीज को बंदा जोक बोल के, इसको रोस्ट बोल के, भाई इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट है क्यों? इसका पहले नेट काटो बहनचोद, फालतू चीजें डाल के साले 6.5 लाख सब्सक्राइबर कर ले और लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हो, भाई मजाक है क्या? मजाक है क्या बहनचोद? वो देखने वाले बहुत है भाई लाइफ में। मैं बहनचोद पता नहीं मैं कैसा कॉन्टेंट बना रहा हूँ, पर मेरा टट्टी भी लोग देखेंगे, तुम देख रहे हो रोस्टेड बीच। तो क्या पता मेरे घर ही कितनी मेहनत। कोई बात नहीं, छोड़ो, बुरा मत माना, आई लव यू। नहीं भगवान बाबा जी तो ठीक है, चूतिया कंटेंट क्रिएटर है जिसे तुम लोग देखते हो और बड़ा पसंद करते हो, पर भाई चलो ये कंटेंट तो बना रहे, ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको देखो भाई। तुम ये दो भोसड़ियों को क्यों देखते हो? हाँ भाई, टिकटॉक पे गुए है, यूट्यूब का गु है यार, इसे क्यों देखते हो? तुम सब इंस्टाग्राम पे सारे बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर रखा है तुमने, ठीक है, तुमने उनका रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया, पर जो बंदा एक दिन में 2 वीडियोस डाल रहा है खाली व्यूज छापने के लिए और जिसके उस जिस चीज के बारे में उसको व्यूज मिल भी रहे हैं, मतलब तुम एक चीज को 2 बार देख क्यों रहे हो? तुम्हें वापिस से कैरी मिनाटी का रिएक्शन क्यों देखना है? तुम्हें वापिस से आशीष चंचलानी का थैंक यू गाइस क्यों देखना है? देखना है कुछ? अच्छा तुम भी बना लो ये फालतू चैनल न्यूज, न्यूज के नाम पे साले इंस्टा स्टोरी भी अपलोड करते हैं चूतिया, और तुम साला 1 मिलियन करा दिया। इस चूतिया के 1 मिलियन हो गए ये नियॉन भोसड़ू के, मतलब। फिर आते हैं ये ब्लॉगिंग के नाम पे कचरा करने वाले, इंडिया के सबसे टट्टी कंटेंट ब्लॉगर्स होंगे ना तो होंगे ये दो, YPM ब्लॉग्स और दूसरा गौरव जोन। अगर ये दो, ये तो भाई फिर भी बड़े हैं, ऐसे छोटे छोटे और हैं जो इनको देख के ग्रो करना चाहते हैं, पर मैं पहले बता दूं भाई, तुम एक दुकान के कैटलॉग नहीं हो। होली का स्टैश दिखा दिखा के साले ने 8 लाख सब्सक्राइबर कर लिया और उसने 3 मिलियन, भाई कोई मतलब कोई फेस्टिवल आता नहीं, चूती सीधा होली स्टैश, दिवाली स्टैश, दिवाली में मैंने ये फोड़ा, बहन चोद हमको जानना है हमने बहन चोद पूरा पॉल्यूशन दिल्ली का तो यही कर रखे हैं। भाई मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो तुम देख रहे हो ना कंटेंट क्वालिटी वाला देखो, भले मेरा कंटेंट अभी के लिए कू है, क्या पता आगे जाके मैं इवॉल्व कर लूँ, हु नोज। इसके बाद अपन ये वीडियो को यही एंड करते हैं, मेरा एंड में मोटिव यही होगा यार, जिसको भी देख रहे हो अच्छे क्रिएटर को देखो, चाहे ये टिकटॉकर हो जो यूट्यूब पे आ रहे हो, अगर इनका कंटेंट अच्छा है तो देखो, कोई बुराई नहीं है, हेट फैलाने की बात है नहीं, क्योंकि वाइन स्टार्स का एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे लोगन पॉल, अमेंडा सरनी, जेक पॉल और किंग बैच ने जैसे जिस हिसाब से अपना चैनल और यूट्यूब पे ग्रो किया ना भाई, इट्स इनसेन। उन्होंने पूरा कैपिटलाइज किया फ्रॉम वाइन टू यूट्यूब, वैसे भाई वो भी करेंगे। टिल देन बाय बाय।